धनतेरस के दिन न खरीदे ये सामान वरना हो सकता है भारी नुकसान। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के पृथ्वी पर आए थे। इसी महोत्सव को जो है धनतेरस के रूप में हम सब मनाते हैं, क्योंकि धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए थे, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से जो है धातु की खरीदी के लिए माना गया है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन की गई खरीदारी 13 गुना फलदायी सिद्ध होती है, इसलिए सभी लोग लक्ष्मी कारक वस्तुओं को इस दिन खरीदते हैं और भगवान धन्वंतरी का विशेष रूप से पूजन अर्चन वंदन भी करते हैं। साथ ही भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का या औषधि का प्रणेता भी माना गया है, इसलिए सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटलों में धन्वंतरी भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और इस दिन यम के लिए दीपदान भी किया जाता है। इस बार धनतेरस का जो महापर्व है वो 5 नवंबर 2018 सोमवार के दिन है और धनतेरस के दिन से दीपावली महोत्सव का आरंभ हो जाता है। धनतेरस को धन से जुड़ा त्योहार माना जाता है और इस दिन खरीदारी को शुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन धातु का सामान जैसे सोना चांदी खरीदने से आर्थिक लाभ होता है, इसलिए इस दिन सभी लोग जो है पूरे उत्साह के साथ में बाजार जाकर के खरीदारी करते हैं, लेकिन इस उत्साह में वो खरीदारी करने में जल्दबाजी करने में भूल जाते हैं कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए कुछ ऐसी वस्तुएं हम आपको आज बताने जा रहे हैं जिनको यदि आप धनतेरस के दिन खरीदेंगे तो आपको जो है लाभ के स्थान पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप धनतेरस की खरीदारी में सावधानी बरतें और जल्दबाजी में ऐसी कोई भी वस्तुएं अपने घर नहीं लेकर आए जो आपके लिए नुकसानदायी सिद्ध हो। धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा और मान्यता दोनों है, यह सदियों से चली आ रही है। देवी लक्ष्मी की तरह भगवान धन्वंतरी भी सागर से उत्पन्न हुए हैं। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोने और चांदी के बर्तन, सिक्के और आभूषण खरीदने की विशेष परंपरा रही है। सोना सौंदर्य में वृद्धि तो करता ही है, लेकिन मुश्किल घड़ी में संचित धन के रूप में हमारे परिवार के काम आता है। कुछ लोग शगुन के रूप में सोने या चांदी के सिक्के भी इस दिन खरीदते हैं। यह कहा जाता है कि इस दिन धन संबंधी कोई भी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है और लोग इस दिन से ही दिवाली की रात की पूजा करने के लिए माता महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी खरीदते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद करके लोग अपने घर में रखते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि इस दिन सूखे धनिया के बीज खरीद करके घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। दिवाली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते भी हैं। ये बीज उन्नति व धन वृद्धि के प्रतीक होते हैं। बदलते दौर के साथ साथ लोगों की पसंद और जरूरतें भी बदली है। कुछ लोग धनतेरस के दिन विलासिता से भरपूर वस्तुएं खरीदते हैं तो कुछ वस्तुएं खरीद करके धनतेरस का महापर्व मनाते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में भी लोग अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार यह पर्व मनाते हैं। धनतेरस के दिन वाहन खरीदना भी शुभ माना गया है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, बिजली के उपकरण खरीदते हैं और घर में उपयोग आने वाली सारी वस्तुएं खरीदते हैं। कुछ लोग सोना चांदी हीरा मोती आदि वस्तुएं भी खरीदते हैं और धनतेरस पर जो है इस प्रकार की वस्तुओं को खरीदने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है।
लेकिन कुछ लोग खरीदारी के चक्कर में जल्दबाजी करते हुए अपने घर में एल्यूमिनियम के बर्तन भी धनतेरस को खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। एल्यूमिनियम राहु से जुड़ा हुआ है और धनतेरस के दिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, वरना राहु का सीधा प्रभाव हमारे परिवार के ऊपर पड़ता है। कांच का सामान भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, यह भी राहु से संबंध रखता है और इसकी खरीदारी घर में जो है दुख और पीड़ा को आमंत्रित करती है। इस दिन आप चाहे तो सोना चांदी के साथ हीरा खरीद सकते हैं। हीरे की खरीदारी अगर महिलाओं के हाथ से हो तो ज्यादा अच्छा है। कहते हैं कि महिलाओं के हाथ से खरीदा गया हीरा घर में आर्थिक लाभ और उन्नति को प्रदान करता है। इस दिन भूल कर भी जो है घर में कांच की वस्तुएं नहीं लाना चाहिए, खास करके कांच की जो पारदर्शी वस्तुएं होती है उनको तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से जो है घर में कई प्रकार की विपत्तियां या कष्ट या पीड़ा का आगमन होने लगेगा। साथ ही एक खास बात हम आपको बता दें कि यदि आप धनतेरस के दिन कुछ अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के लिए अपने पैसों से कोई भी खरीदारी न करें। ऐसा करने से जो है घर की समृद्धि उनके पास चली जाएगी। अगर आप दूसरों को दीपावली का गिफ्ट देना चाहते हैं तो किसी और दिन उनके लिए गिफ्ट खरीद ले, लेकिन धनतेरस के दिन केवल अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए ही खरीदारी करें। दूसरों को गिफ्ट देने से अपने घर की बरकत जो है सारी चली जाएगी। और साथ ही आपको ध्यान रखना है, पुराना वाहन धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोग इस दिन कम दाम के चक्कर में पुराना वाहन भी अपने घर में खरीद करके लाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो नया वाहन खरीद करके लाए, और किसी भी प्रकार से आप पुराना कोई भी वाहन धनतेरस के दिन बिल्कुल न खरीदें। माना जाता है कि पुरानी वस्तुएं घर में जो है इस दिन खरीद करके नहीं लाना चाहिए। इस दिन केवल नई चीज पर ही धन खर्च करना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीले सामान जैसे चाकू, छुरी, नुकीली कैंची आदि नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह शनि से जुड़ा होता है। क्योंकि वाहन आदि जो वस्तुएं होती है उनमें केवल लोहा नहीं होता है, उनमें अन्य धातुएं भी लगी रहती है, और केवल लोहे से जो निर्मित वस्तुएं होती है, जैसे लोहे की कढ़ाई, लोहे का जो है खोचा होता है, या फिर लोहे का जो भी सामान केवल लोहे से बना हो, ऐसा सामान नहीं खरीदना चाहिए। अन्य सामानों से निर्मित जो सामान जैसे वाहन है, वाहन में अन्य धातुएं भी लगी रहती है, इसलिए आप वाहन तो इस दिन खरीद सकते हैं, लेकिन केवल और केवल जो लोहे से बनी वस्तुएं हैं वो नहीं खरीदना चाहिए। शीशे का संबंध राहु के साथ बताया गया है, इसलिए धनतेरस के दिन भूल कर भी हमें शीशा नहीं खरीदना चाहिए, खास करके पारदर्शी शीशा तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच का सामान भी इस दिन खरीदना मना किया गया है, इसलिए आप जो है एल्यूमिनियम, चाकू, छुरी, कांच का सामान और केवल लोहे से बनी वस्तुएं धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदने। यदि आप खरीदना चाहते हैं धनतेरस के दिन, तो नया घर खरीदे, नया वाहन खरीदे, नए उपकरण खरीदे, या फिर नए वस्त्र अपने लिए खरीद सकते हैं। साथ ही यदि आप चाहें तो पीतल के बर्तन खरीदे या फिर स्टील के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। स्टील वैसे जो स्टेनलेस स्टील होता है, क्योंकि लोहे को परिष्कृत करके स्टील का रूप धारण कर दिया गया है, इसलिए उसे लोहा नहीं माना जाएगा, इसलिए स्टील के बर्तन भी आप इस दिन खरीद सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप खरीदना चाहें तो गृह उपयोगी जो वस्तुएं होती है वो अपने घर में ला सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं, अपने लिए उपयोगी वस्तुएं भी आप अपने घर में ला सकते हैं, या फिर अपने घर परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं भी इस दिन खरीद करके आप ला सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी खरीद करके वस्तुएं लाए वो किसी को उपहार में या गिफ्ट में बिल्कुल न दे, अन्यथा आपकी समृद्धि जो है आपके घर से चली जाएगी और किसी भी प्रकार से जो है आपके घर में
आपकी समृद्धि रुकेगी नहीं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी सामान खरीद करके लाए हैं वो अपने लिए ही उपयोग करें, अपने लिए ही खरीदे तो अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है आप ध्यान रखें और सावधानी बरतें ताकि धनतेरस आपके लिए शुभ साबित हो सके और आपके घर में भगवान धन्वंतरी की, माता महालक्ष्मी की और भगवान कुबेर की सदैव सदैव कृपा बनी रहे। तो मित्रों, आप सब से हमारा निवेदन है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।